हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, की हाल चाल, कैसे हो? ठीक हो? ओके जी, ये वीडियो है हमारी फैमिली एप्लीकेशन जो एक मेरे क्लोज फ्रेंड ने अभी थोड़े दिन पहले भुगती है कस्टेलो ब्रांको में। तो उसके बारे में कुछ व्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट उनके लगे, क्या उनके पेरेंट्स के लगे। उन्होंने अपने सिर्फ फादर के लिए अप्लाई किया था कस्टेलो ब्रांको सेफ में लास्ट वीक। तो उसके बारे में से कई लोगों ने पूछा है कस्टेलो ब्रांको सेफ के बारे में बताया जाए कि क्या होता है, कैसे नहीं, तो आपको बताते हैं। वहाँ पे जब हम डेट पे गए हैं, सबसे पहले उन्होंने उनका पासपोर्ट मांगा है, रेजिडेंसी परमिट मांगा उनका, उनका वर्क कॉन्ट्रैक्ट, मालिक की तरफ से डिक्लेरेशन की अभी भी सैलरी पे काम कर रहे हैं, किस डेट पे स्टार्ट किया था इन्होंने, 3 लास्ट सैलरी स्लिप्स लगी है उनकी, उनकी आईआरएस लगी है, उनका घर का कॉन्ट्रैक्ट लगा है। एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, अभी मेरे को नहीं पता कि बाकी सेफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, पर कस्टेलो ब्रांको में स्पेसिफिकली जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने बोला कि तुम्हारा घर का कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे है। लकीली मेरे फ्रेंड के पास घर का कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने वो दिखाया और इंस्पेक्टर वो सेटिस्फाइड। अगर उनके पास घर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो उन्होंने फैमिली पास नहीं करनी थी। और घर के कॉन्ट्रैक्ट के साथ उन्होंने फाइनेंस का लेटर भी मांगा है जिस पे कॉम्प्रोवाती वो लिखा होता है, जिसको आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन कि घर का कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनल ही है, डुप्लीकेट तो नहीं है। तो वो आपके दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर घर का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है भी पर आपके पास फाइनेंस का पेपर नहीं है तो वो कोई वैल्यू नहीं है। तो दोनों चीज़ें साथ में होनी चाहिए। और अगर घर का कॉन्ट्रैक्ट पुराना है तो वो आपकी 3 रेंट रसीट्स भी मांगते हैं, किराए की रसीदें भी मांगते हैं। और अगर वो नहीं है आपके घर का कॉन्ट्रैक्ट, नया है 1-2 महीने पुराना, तो कोई ना कोई बिजली का जैसा आपने चेंज कराते हो अपने नाम पर वो चल जाता है। और आपके पेरेंट्स की एज 50+ होनी चाहिए, 50 से ऊपर होनी चाहिए। उन्होंने मनी सेंडिंग प्रूफ भी मांगे हैं, और मनी सेंडिंग प्रूफ उनके नाम पर ही होना चाहिए जिनको आप बुला रहे हो यहाँ पर। अगर आप फादर को बुला रहे हो तो फादर के नाम पर मनी सेंडिंग प्रूफ होने चाहिए 3 महीने के, मदर को बुला रहे हो तो मदर के नाम पर, अगर दोनों को बुला रहे हो तो कोई एक चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगर आप फादर को बुला रहे हो और पैसे आप मदर को भेज रहे हो, नहीं चलेगी वो चीज़, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी बैंक प्रूफ उन्होंने मांगे थे, एक तो होता है मुलती बैंक से जो बैंक प्रूफ निकलता है ना, मूवी मंतोष वाला, वो जिसमें लास्ट में लिखा होता है कितना साल दो रह गया, एक वो मांगा उन्होंने, पर उस पर नाम नहीं होता है, उस पर सिर्फ अकाउंट नंबर होता है। एक उन्होंने कंप्रोवाती वो तो ईबान मांगा, जो आपको जब अकाउंट खुलवाते हैं वो मिलता है आपको, उन दोनों पे उन्होंने मैच कर लिया अकाउंट नंबर, और अकाउंट में 1% के लिए 1200 यूरो अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने मांगे जो कि उसके पास थे। उसके बाद उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जो कि इंडिया से आए थे, जैसे उनके फादर साहब का बर्थ सर्टिफिकेट, उनकी PCC, उनके पासपोर्ट की कॉपी, और ये सारे डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे ट्रांसलेशन एंड विद नोटरी करवा के ही भेजे थे क्योंकि वो ज़रूरी है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद सेम डे ही कस्टेलो ब्रांको ने उनको देफ्रीमेंटो या फिर जिसको हम पास वाला लेटर बोलते हैं वो दे दिया, और अब वो मतलब अपनी कार्रवाई आगे कर रहे हैं, इंडिया से डॉक्यूमेंट VFS में।